दोस्तों वर्तमान में स्टार प्लस पर प्रसारित हो रहे ये है चाहते दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है, जिसकी कहानी प्रीशा के निजी जीवन पर आधारित है, जिसकी बहन वसुधा की अचानक मृत्यु हो जाती है और इसी वजह से इन्होंने अपनी बहन के बेटे सारांश की परवरिश करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और ये जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभा रही हैं और जिंदगी की कई चुनौतियों का सामना भी कर रही हैं। इस कहानी को दर्शक बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते ये बहुत ही कम समय में दर्शकों का लोकप्रिय शो बन गया है। इस सीरियल को लोकप्रिय बनाने वाले इस सीरियल के कलाकारों का बहुत ही बड़ा योगदान है, जो अपने किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से निभा रहे हैं और दर्शकों की वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको सीरियल नहीं बल्कि इस सीरियल में काम कर रहे कुछ कलाकारों और उनके रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू कराने वाले हैं। अगर आप भी उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस शानदार सीरियल के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 5, ऐश्वर्या सखुजा। इस सीरियल में सहायक अभिनेत्री के तौर पर ऐश्वर्या सखुजा नजर आ रही हैं, जो कि इस सीरियल में अहाना का किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं। इस सीरियल में ये राजीव खुराना की पत्नी का किरदार निभा रही हैं और ये अपने किरदार को बहुत ही अच्छे से निभा रही हैं, जिसके चलते ये दर्शकों की फेवरेट कलाकार बन गई हैं। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री के पति के बारे में तो इनके पति का नाम रोहित नेग है, जो कि इनकी बॉयफ्रेंड है, जिनसे इन्होंने काफी सालों तक डेटिंग करने के बाद साल 2014 में शादी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके पति प्रोफेशन से कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जिन्हें फिल्म टूटिया दिल के डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है। नंबर 4, सत्यजीव शर्मा। इस सीरियल में बलराज खुराना का किरदार अभिनेता सत्यजीव शर्मा निभा रहे हैं, जो कि इस सीरियल में राजीव और रुद्रा के पापा का किरदार निभा रहे हैं। ये एक पिता का किरदार बखूबी निभा रहे हैं, जिसके चलते दर्शक इनकी तारीफें करते हुए थक नहीं रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता की पत्नी के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि इन्हें शादी जैसे बंधन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जिसके चलते ये 50 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं। नंबर 3, इंद्रनील सेन गुप्ता। इस सीरियल में राजीव खुराना का किरदार अभिनेता इंद्रनील सेन गुप्ता निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सीरियल में रुद्रा के बड़े भाई हैं और अहाना के पति होते हैं और दोनों ही किरदार को ये बहुत ही खूबसूरती से निभा रहे हैं, जिसके चलते ये दर्शकों की खूब तारीफें भी बटोर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता की पत्नी के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम बरखा सेन गुप्ता है, जिनसे इन्होंने साल 2008 में शादी की थी और आज इस शादी से इनको एक बेटी भी है, जिनका नाम मीरा सेन गुप्ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी पत्नी प्रोफेशन से इन्हीं की तरह एक अभिनेत्री हैं, जिन्होंने नामकरण, डोली सजा के रखना और संकट मोचन, महाबली जैसे सीरियल्सों में काम किया है। नंबर 2, अबरार काजी। इस सीरियल में मेन लीड एक्टर के तौर पर रुद्रा खुराना नजर आ रहे हैं, जो कि इस सीरियल में एक रॉक सिंगर है और प्रीशा के पति का किरदार निभा रहे हैं, पर रुद्रा को प्यार जैसी चीज पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। इस सीरियल में दर्शक इनके किरदार को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते ये दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता के पत्नी के बारे में तो बता दें इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, ना ही इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये फिलहाल अभी अपने करियर पर फोकस करने में लगे हुए हैं। नंबर 1, सरगुन कौर लूथरा। इस सीरियल में मुख्य अभिनेत्री प्रीशा खुराना का किरदार अभिनेत्री सरगुन कौर लूथरा निभाते हुए नजर आ रही हैं, जो कि सीरियल में प्रोफेशन से एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं। इस सीरियल में इनके दमदार प्रदर्शन को देखकर दर्शक इनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, जिसके चलते ये बहुत ही कम समय में दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गई हैं। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री के पति के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि अभी ये अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। इनका मानना है कि पहले ये अपने करियर में सेट हो जाएं या फिर उसके बाद ये शादी जैसे बंधन में बंधने के बारे में सोचेंगी। तो दोस्तों, आपको इस सीरियल में सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लग रही है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।